हेलो एवरीवन, दिस दिलशी ऑफ द केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया गया है आपका, या फिर हेक्सा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हो, तो हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम दो बताए थे। ठीक है, इसमें क्या केस बन सकता है, एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल होता है, एक ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और एक क्या होता है, ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक। ठीक है, ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक। ठीक है, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल केस के लिए जैसे हाइब्रिडाइजेशन ये हो सकता है, sp3 d2 sp3। ठीक है, p3 d3, ये केसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक की बात करें तो जैसे इसमें sd5, ठीक है, pd5, spd4, ये सब हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कैसे देखेंगे कि आपका कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाल लिए आप तो पता चल जाएगा ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, जैसे ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक की पहचान अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लिगेंड की बात करें, अगर जैसे लिगेंड में जैसे हम मान लेते हैं ट्रांजिशन मेटल एटम हो और उसके साथ जो लिगेंड जुटा हुआ है, ठीक है, उसके साथ अगर लिगेंड है, वो लिगेंड जैसे बल्की ग्रुप का होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं जैसे आर, जैसे मान लेते हैं CH3, ये सब लिगेंड जुटे हुए रहने चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं ट्राइगोनल के पेरिस्टमैटिक होगा। हम लिगेंड से पहचान कर सकते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसका जो होगा शेप होगा वो ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसकी हम बात करें तो जैसे टंगस्टन का अगर लेते हैं तो इसका हो जाएगा ये, इस तरीके से लिगेंड, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, इसमें वाटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ऑक्टाहेड्रल की पहचान है। और आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल का अगर स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म करें तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल बना रहे ऑक्टाहेड्रल और एक तक क्या है ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आप पता चल गया आपको, sp3 d2 हो सकता है, d2 sp3 होता है और p3 d3 होता है। ठीक है, अब ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें sd5 हो गया और pd5 हो गया और sp4, ये सब हो गया। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए इसके स्ट्रक्चर जैसे मान लेते हैं आपका बीच में सेंट्रल मेटल अटैच है। ठीक है, ऊपर आपके जैसे इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ लिगेंड अटैच है, यहाँ लिगेंड अटैच्ड है और एक यहाँ लिगेंड अटैच्ड है, यहाँ लिगेंड अटैच्ड है यहाँ, और सब क्या है एक दूसरे से क्या है जुटे हुए हैं, सॉरी सब एक दूसरे से क्या है जुटे हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से सब एक दूसरे से क्या है जुटे हुए हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ये क्या है कुछ इस तरीके का ये लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो अपना, ये चीज है, इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके का लिगेंड होगा, यहाँ पे भी इस तरीके का लिगेंड होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, यहाँ पे ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 d2 है, d2 sp3 एंड p3 d3। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो sd5 pd5 spd4। ठीक है, ये हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है विविडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बता देते हैं लेकिन ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, क्लास 12 तक का तो इतना ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन और आगे अगर आपको जानकारी है लेनी है ऑक्टाहेड्रल के केसेस कहाँ है, ट्राइगोनल पेरिस्टमैटिक कहाँ बनता है, तो ये आपको पूरा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जनरल सा केस है, इस बीच में सेंट्रल मेटल एटम है और ये यहाँ कॉर्नर पे हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये चार हो गए और एक एक्स्ट्रा हमारा बनता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से लिगेंड होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके होते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
तो इसकी पहचान इस तरीके से करते हैं। देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, देखो अगर बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, इसका यहाँ पे अगर यहाँ पे बीटा है, ठीक है, यहाँ का हम मान लेते हैं बीटा है, ठीक है, इसको क्लियर इमेज बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका क्लियर इमेज बनाते हैं पहले, जैसे ये कुछ इस तरीके से, अगर इसका मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा है, यहाँ का भी हम मान लेते हैं मान लीजिए बीटा, इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके जो एंगल है जितना अल्फा के होंगे उतना बीटा के होंगे, इसके जो एंगल ऑक्टाहेड्रल के वो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ अल्फा हो गया तो यहाँ का एंगल जो है बीटा, या अल्फा ये बीटा, लेकिन ये देखो आपको दिखने से ही लग रहा है ये बीटा एंगल क्या है, बड़ा है, इसका मतलब बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ये दोनों क्या है बॉन्ड एंगल इनके क्या है सेम नहीं है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केसेस में हम देख रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या है सेम है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक का एग्जांपल देखते हैं और आपका जनरल ऑक्टाहेड्रल का देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4 ये चलेगा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक की बात करें, ठीक है, ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक, ठीक है, चलो इसकी हम बात करते हैं, ये हम एग्जांपल लिए, ठीक है, ये एग्जांपल लिया, ये है आपका ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है 5d5, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 6s1, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे ये होता है, अब इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो इसका -1 और ये इज इक्वल टू 0, इसका -1, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब टंगस्टन पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करो, पहले आप क्या करो, देखो ये आ गया, पहले इसका बनाओ, देखो जब हम सॉल्व करते हैं बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग n-vd ऑर्बिटल इंक्लूड रहता है, फिर इसके बाद ns रहता है, फिर इसके बाद np, फिर इसके बाद nd, ये रहते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये हो गया, यहाँ पे हम s का बनाते हैं, फिर यहाँ पे हम sp3, ठीक है, तो यहाँ देखो इसका हम बनाते हैं पहले 5 है, यहाँ पे इस तरीके से इसको फील करते हैं 3, 4 एंड 5, इसमें भी कितने हैं 1। अब ये क्या है देखो +6 है, तो जब +6 है इसका मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वैकेंट, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो इसका मतलब d0 और s0 सब हो जाएगा, तो इसका मतलब एक CH3 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसका मतलब इसका अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना आएगा इसका निकालोगे, यानी d5s, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, मतलब लिगेंड से आप पहचान सकते हो कि ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक, इसका मतलब ही क्या होगा ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। चलो अब ऑक्टाहेड्रल केसेस के एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल में देखो जैसे देखो, ठीक है, जैसे यहां हो गया ये, अब इसका क्या है कोबाल्ट, पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 एंड 4s ये होता है। चलो अब देखो इसको किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे ये होता है, अब इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका निकालोगे तो +3 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d6 एंड 4s2 ये हो जाएगा। तो चलो हम इसका क्या करते हैं ऑर्बिटल पहले बनाते हैं, ठीक है, इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे s और यहाँ पे 3, यहाँ पे है, पहले इसको फील करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये फील कर दिया हमने, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब यहाँ देखो Cn6 है, अब इसका मतलब ये क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है याद रखिएगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो क्या करता है, पेयरिंग कराता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे तो हम पेयर कराएंगे और वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो पेयर नहीं कराता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे देखो जो सारे क्या है पेयरिंग हो जाएंगे, इसका मतलब पेयर करेंगे, ठीक है। चलो पेयरिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है एस और यहाँ पे पी, इसका मतलब ये जो लिगेंड है सी एन किसमें जाएंगे, एक इसमें जाएंगे और एक इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे और इसमें इसमें इसमें, देखिए पूरा क्या हो गया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल रहे हो तो डी टू यस पी थ्री आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं आपका एफ ई सी एल सिक्स, ठीक है। यहां पे अब इसका ऑक्सीडेशन, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालो क्या है, पहले जनरल अगर आप इसका आप करेंगे तो क्या आता है, इसका आएगा 3D6 4S2, ठीक है, ये होता है। अब इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कर लियो, अब ये क्या है उसका वो निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस थ्री आएगा, ठीक है। प्लस थ्री आएगा तो इसका मतलब इसमें से कितने बचे इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे आपका 3D5 and 4S2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो चलो अब इसका बनाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। इसका ऑर्बिटल बनाओ 1, 2, 3, 4, अब इसका बनाते हैं 1, 2, 3, इसका भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इसको फील करो 1, 2, 3, 4 and 5 हो गया। अब इसमें क्या है बनना, अब ये देखो क्या पेयरिंग कराएंगे, ये अगर पेयरिंग कराएं तो करो, देखो अगर हम इसका पेयरिंग कराते हैं, अगर आप इसका पेयरिंग कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। पेयरिंग कराने के बाद ये हो जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। और ये इसमें आ जाएगा, ये वाला भी इसमें आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैकेंट इसमें सी एन जाएंगे और एक इसमें जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ, इसका मतलब इसका भी अगर आ करोगे तो डी टू यस पी थ्री आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए कभी कभी ये भी होता है, अगर कहते हैं कि यस पी थ्री डी टू है या डी टू यस पी थ्री है, कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपकी आ रही है डी से स्टार्ट है तो हम उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल। अगर यस से स्टार्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनर क्यों बोलते हैं, पहले देखो यहाँ पे डी आता है तो इसका मतलब इनर, और बाहर उसके बाद डी आता है तो इस वजह से इसको आउटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, अगर यस से स्टार्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल है और इनर डी ऑर्बिटल अगर डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम इसका कुछ इस तरीके से निकालते हैं।